हमीरपुर जिला ओपन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप रविवार को सिंथेटिक ट्रैक अणु हमीरपुर में आयोजित की गई। लड़कों की अंडर 16 वर्ग की 2 किलोमीटर दौड़ में पंकज खरियाल फर्स्ट, अंडर 18 वर्ग की 6 किलोमीटर दौड़ में अतुल शर्मा फर्स्ट, आयुष चौहान सेकंड और मृदंग तीसरे स्थान पर रहा। अंडर 20 वर्ग की 8 किलोमीटर दौड़ में आदित्य ठाकुर फर्स्ट, रजत चौहान सेकंड और निकसित ठाकुर थर्ड रहा। लड़कियों के 16 वर्ग की 2 किलोमीटर दौड़ में शगुन फर्स्ट, अंडर 18 की 4 किलोमीटर दौड़ में सुहानी फर्स्ट, कशिश सेकंड और अंकिता शर्मा थर्ड रही। अंडर 20 वर्ग की 6 किलोमीटर दौड़ में मनीषा फर्स्ट और अंकिता सेकंड रही। जिला हमीरपुर एथलेटिक्स एसोसिएशन के महासचिव संदीप डडवाल ने कहा कि प्रत्येक आयु वर्ग में पहले 2 स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी 15 तारीख को ऊना में होने वाली राज्य स्तरीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में भाग लेंगे। आज दिनांक 1 दिसंबर 2024 जिला हमीरपुर की ओपन क्रॉस कंट्री का आयोजन किया गया और इस क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में लगभग 60 जो एथलीट्स थे उन्होंने भाग लिया, जिसमें अंडर 16, अंडर 18, अंडर 20 और ओपन कैटेगरी में एथलीट्स ने भाग लिया, मेल एंड फीमेल बोथ। और इसके सफल आयोजन के लिए जो है मैं धन्यवाद करना चाहूँगा बतौर महामंत्री डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर एथलेटिक एसोसिएशन श्री के सिंह पटियाल जी का, जो कि आज के हमारे इस इवेंट के मुख्य अतिथि थे, श्री अनिल शर्मा जी का जो कि कोच हैं और शिक्षा विभाग में पीजीटी आर्ट्स के पद पर कार्यरत हैं, श्री विजय राणा जी आईपी के लेक्चर हैं, हमारे एसोसिएशन के फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, श्री रोहित ठाकुर जी जो कि हमारे एथलेटिक एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य हैं, श्री रजनीश शर्मा जी पीजीटी नॉन मेडिकल एथलेटिक कोच, श्री लक्की ठाकुर जी पीजीटी हिंदी एंड एथलेटिक कोच, और तमाम यहां पर और जो हमारे ट्रैक पर लैप स्कोरर थे उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस इवेंट को सफल बनाया। और इसके बाद जो है जितने भी जो हमारे पार्टिसिपेंट्स थे और जिन्होंने मेडल जीते हैं, जिन्होंने फर्स्ट 2 पोजीशन लिए, इनके सिल्वर गोल्ड और सिल्वर और ब्रॉन्ज, ये तीनों जो हैं आगे स्टेट लेवल जो क्रॉस कंट्री चैम्पियनशिप ऊना में होने जा रही है 15 दिसंबर को, उसमें भाग लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जिला हमीरपुर वहाँ भी जो है वो बढ़ चढ़ कर जो है वो पोजीशन हासिल करेगा, ट्रॉफी जीतेंगे। इस उम्मीद के साथ पुनः एक बार मैं बधाई देना चाहता हूँ तमाम एथलीट्स को जिन्होंने आज यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और पोजीशन हासिल की। धन्यवाद। शाबाश शाबाश। अंडर 18, अंडर 20, बॉयज गर्ल्स क्रॉस कंट्री लगी हुई है। आप देख सकते हैं लैप स्कोरर्स बिल्कुल मुस्तैद, एथलीट्स को बताते हुए कि कितने चक्कर बाकी बचे हैं, क्योंकि एथलीट को बताना पड़ता है क्योंकि 6 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री है तो 400 मीटर का ट्रैक है तो 15 चक्कर लगने हैं 400 मीटर के इस ट्रैक के, 15 चक्कर लगने के बाद 6 किलोमीटर पूरे होंगे। तो लैप स्कोरर्स को ये ड्यूटी दी जाती है कि आपने एक स्पेसिफिक चेस नंबर वाले जो है उनको अनाउंस कर देना जितने चक्करों के बाकी बचे हैं, ताकि जो है एथलीट को जो है इस बात पर ज़्यादा ध्यान ना देना पड़े कि उनके कितने चक्कर बाकी हैं। ये काम लैप स्कोरर का होता है और एथलीट जो है वो बिल्कुल फ्री माइंड होकर के जो है वो अपने रेस दौड़ते हैं, क्रॉस कंट्री दौड़ते हैं। आप देख सकते हैं अभी ये जो है झुंड जो है पूरा फीस का आता हुआ आपके सामने देखेंगे। अभी 5 चक्कर बाकी हैं, लास्ट लैप। दिव्या हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से मंगलेश कुमार की रिपोर्ट।